फिर ज्यादा से ज्यादा अडोबी आफ्टर के बारे में सुना होगा लेकिन क्या आपको पता है कि अडोब की अडोब जो कंपनी है उसकी टोटल कितनी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अडोब की जितनी भी टोटल एप्स है उनके नाम बताऊंगा और उनका क्या क्या यूज है वो भी बताऊंगा अडोब एरो मोबाइल डिवाइसेज के लिए है और यहाँ पर आप विदाउट इवन कोडिंग ऑगमेंटेड रियलिटी का एक्सपीरियंस कर सकते हो अडोबी आफ्टर इफेक्ट देखो आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में सबने सुना ही होगा यहाँ पर आप मोशन ग्राफिक्स कर सकते हो कंपोजिटिंग कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर के साथ आपको सब पता है अडोबी एयर देखो ये डेवलपर्स यूज करते हैं गेम्स और एप्लीकेशन बनाने के लिए फॉर सेवरल ऑपरेटिंग सिस्टम तो देखो ये नाम की तरह ही एनिमेशन में यूज होती है विद ऑल सार्ट ऑफ डिजाइन गेम्स वेब ई लर्निंग एंड मच मोर इन दिस यू कैन ऑलसो रेंडर योर प्रोजेक्ट इन टू मेनी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट्स लाइक एस टी एम एल एक्सेट्रा अडोब ऑडिशन देखो इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना ही होगा इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑडियो एडिटिंग करते हैं ऑडियो मिक्सिंग करते हैं तो जितनी भी ऑडियो की एडिटिंग होती है उसके लिए अडोब ऑडिशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है अडोबीह देखो ये एक सोशल मीडिया साइट है और बहुत सारे क्रिएटर्स इसको अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए यूज करते हैं और अडोब ने पोर्टफोलियो के लिए ही इसको लॉन्च किया था अडोब ब्रिज तो देखो ये एक मीडिया मैनेजमेंट एप है इसमें आप जनरली मीडिया को एडिट कर सकते हो ऑर्गेनाइज कर सकते हो देख सकते हो एंड एडिट भी कर सकते हो दूसरी अडोबी एप्स के साथ जैसे की कैमरा रो एंड एक्सेट्रा एंड इस एप की मदद से आप डायरेक्टली अडोब स्टॉक पे अपना मटेरियल भी पब्लिश कर सकते हो अडोब कैप्चर देखो इस ऐप की मदद से हम वेक्टर्स फॉन्ट्स पैटर्न्स डिजाइन वगैरह बनाते हैं और ये मोबाइल के लिए अवेलेबल है लेकिन हम मोबाइल से अपने किसी भी अडोबी एप में ये जो भी हम बनाए ऐप में वो ट्रांसफर कर सकते हैं अडोबी कैरेक्टर एनिमेटर या फिर एनिमेशन देखो ये टू डी कैरेक्टर एनिमेशन के लिए ऐप बनाई गई है और ये आपका वेबकेम यूज करती है जो भी आप वेबकेम में ऐसे हरकते करते हो ये उसी को टू डी एनिमेशन में एनिमेट कर देती है एंड जब आप वेबकेम की मदद से ये सारी चीजें कर रहे होते हो तो फिर आपको वो फ्रेम बाई फ्रेम जाकर एनिमेशन नहीं करनी पड़ती अडोब कॉन्टेंट सर्वर इस ऐप की मदद से आप सेफली अपनी बुक e को पब्लिश या फिर सेल कर सकते हो अडोब तो डायमेंशन अगर आप थ्री डी मॉडल्स एंड टू चाहते हो तो दिस इज यू नीड और ये एप थ्री डी डिजाइन को ज्यादा एक्सेबल बनाती है अडोब तो आप इस ऐप की मदद से विदाउट इवन कोडिंग वेबसाइट बना सकते हो अब ऐसा नहीं है कि इस एप में कोड ही नहीं कर सकते कोडिंग भी कर सकते हो बट इट लेट्स यू डू दैट विदाउट इवन कोडिंग बट आप इसमें कोडिंग भी कर सकते हो अगर आपको कोई चीज यहीं पर ठीक करनी है अब यहाँ पर इस एप के दो वर्जन है अडोबी फ्लैश बिल्डर और अडोबी फ्लैश प्रोफेशनल देखो कुछ वेबसाइट्स को अडोबी फ्लैश चाहिए होता है टू रन गेम्स और टू रन स्पेसिफिक फंक्शन और अडोबी फ्लैश इंटरनेट की दुनिया में काफी सालों तक यूज हुआ बट इन दी एंड ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी अडोबी फ्लैश ऑफिशियली डिसकंटिन्यू हो गया है मार्केट से। अब यहाँ पर भी इस एप के दो वर्जन है अडोबी फॉन्ड्स एंड अडोबी टाइप किट यहाँ से आप हर तरीके के फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो और उन फॉन्ट्स को किसी भी अपनी अडोबी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो और ये आपकी अडोबी क्रिएटिव क्लाउड की मेंबरशिप के साथ ही आता है अडोबी फ्रेस्को इसका पेड और फ्री वर्जन दोनों है ये आर्टिस्ट पेंटिंग्स और ड्रॉइंग्स बनाने के लिए यूज करते हैं अडोबी फ्यूज ये एक थ्री डी मॉडल डिजाइन एप है स्पेशलाइज इन ह्यूमन मॉडल्स आप इसमें फिजिकल लुक्स भी चेंज कर सकते हो क्लोथ एक्सेट्रा तो यहाँ पर भी इस ऐप के दो वर्जन है अडोबी इलेस्ट्रेटर एंड अडोबी ड्रो देखो इलेस्ट्रेटर के बारे में तो आपको पता ही होगा जितने भी दुनिया भर के ग्राफिक डिजाइनर्स है वो अडोबी इलेस्ट्रेटर को यूज करते हैं टू मेक इलेस्ट्रेशन जो भी आप ग्राफिक्स ऑनलाइन देखते हो जो आप लोगोज देखते हो ब्रांड्स के वो अडोब इलेस्ट्रेटर में ही बनाए जाते हैं एंड इसकी एक जो मोबाइल वर्जन वाली एप है वो है अडोबी ड्रॉ जहां पर आप डिजाइन को ड्रॉ कर सकते हो अडोबी इन कॉपी ये एक है जो के साथ काम कर सकता है यही सॉफ्टवेयर यूज होता है और ये ऐप मोस्टली राइटर्स यूज करते हैं अडोबी इन डिजाइन तो देखो ये पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है और ये काफी सारे लेआउट के लिए बनाया गया है जो एडिटोरियल डिजाइन होते हैं वो इसी ऐप के जरिए बनाए जाते हैं और आप इसे बहुत सारी चीजें बना सकते हो जैसे कि टू बुक्स एक्सेट्रा अब देखो इस ऐप के भी तीन वर्जन है लाइट रूम सीसी लाइट रूम क्लासिक एंड लाइट रूम मोबाइल तो इस ऐप की मदद मतलब से जो दुनिया भर की फोटो एडिटिंग होती है वो आप कर सकते हो फोटो के जो एडजस्टमेंट होते हैं वो कर सकते हो फोटो में कलर करेक्शन कर सकते हो और बेसिकली इसको दुनिया भर के जितने भी फोटोग्राफर्स हैं वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं वो इसी ऐप को यूज करते हैं अडोब मीडिया इनकोडर तो देखो ये ऐप अडोबी ने मीडिया इनकोडिंग के लिए बनाई है मतलब रेंडरिंग के लिए बनाई है अगर आप प्रेमियर प्रो यूज करते हो या फिर आफ्टर फैक्ट्स यूज करते हो तो आपने इस ऐप का यूज जरूर किया होगा और ये आपको बहुत सारे फॉर्मेट में रेंडर के ऑप्शन देती है अडोबी फोटोशॉप देखो इसके बारे में तो सबने सुना होगा दुनिया में सबसे जो फेमस फोटो एडिटिंग है, know, name, no आपको पता ही है कि इस की इस ऐप की मदद से हम क्या कर सकते हैं अडोबी पोर्टफोलियो देखो ये ऐप बेसिकली फोटोग्राफर्स को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई थी इस एप की मदद से फोटोग्राफर्स अपना पोर्टफोलियो बना

तीन वर्जन है पहला तो अडोबी प्रेमियर प्रो एंड देन अडोब प्रेमियर एलिमेंट्स एंड देन प्रेमियर रश अडोबी प्रेमियर प्रो के बारे में आपको पता है, ये वीडियो डिटिंग है आप इससे वीडियो एडिट कर सकते हो एंड अडोबी प्रेमियर एलिमेंट जो इनकी ऐप है वो बहुत ही बेसिक वीडियो एडिटिंग ऐप है बट ये भी पेड है इसमें आप बहुत ही बेसिक लेवल की एडिटिंग कर सकते हो ये प्रेमियर की तरह उतनी एडवांस नहीं है लेकिन बेसिक लेवल की जितनी एडिटिंग हो सकती है वो अडोब प्रेमियर एलिमेंट्स में हो जाती है एंड इसके बाद जो प्रेमियर रश है वो एक मोबाइल वीडियो एडिटिंग ऐप है जो अडोबी ने अभी हाल ही में रिलीज की थी अडोबी स्काउट इट एनालाइज एंड प्रोफाइल अडोब फ्लैश कॉन्टेंट बस इतनी अडोबी स्पार्क इसके भी तीन वर्जन है अडोबी स्पार्क स्पार्क पोस्ट स्पार्क तो देखो ये मोबाइल के लिए ऐप है बेसिकली यहाँ पर आप जो सोशल मीडिया पे क्विक डिजाइन क्विक पोस्टर्स बनाकर सेंड कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो अडोबी स्टॉक तो ये एक मीडिया प्लेटफॉर्म है फॉर क्रिएटिव क्लाउड यूजर जहाँ पर वो रॉयल्टी फ्री इमेजेस बाय और सेल कर सकते हैं अडोबी सब्सटेंस तो देखो इस ऐप की मदद से आप क्रिएटिव टेक्सचर्स डिजाइन कर सकते हो जो बाद में थ्री डी मॉडल्स में यूज होते हैं अडोबी एक्सडी देखो इस ऐप की मदद से डेवलपर्स प्रोटोटाइप बनाते हैं इंटरफेस टेस्ट करने के लिए बिफोर दे इवन कोड देंडोबी की कुछ मार्केटिंग एप्स भी है अडोबी एक्सपीरियंस क्लाउड देखो ये ऐप कस्टमर एक्सपीरियंस को दिमाग में रखते हुए बनाई गई है यहाँ पर आपको ऑनलाइन मार्केटिंग के टूल्स मिल जाते हैं लाइक मैनेजिंग कॉन्टेंट और सेंडिंग ईमेल्स अडोबी ऐप की मदद से आप मल्टी का फुल ऑन मैनेजमेंट कर सकते हो विद सिंगल ऐप अडोबी एनालिटिक्स इस ऐप की मदद से आप वेब ट्रैफिक का एनालिसिस कर सकते हो अडोबी तो टारगेट देखो ये ऐप अडोबी एनालिटिक्स के साथ ही काम करती है टू प्रायोरिटाइज दी मार्केटिंग कंटेंट अडोबी कैपटीवी

डेटाबेस, बेस लाइक हेल्प सेंटर्स प्राइवेसी पॉलिसी फॉर्म जो आप देखते हो इंटरनेट पर अडोब साइन इस एप की मदद से आप लीगली सिग्नेचर कर सकते हो नाम से सुना ही होगा देख हो, हो, तो देखो ये जो प्रो वर्जन है इसमें और उसमें सिर्फ इतना ही फर्क है यहाँ पर आप पीडीएफ क्रिएट कर सकते हो वहां पर आप पीडीएफ क्रिएट नहीं कर सकते थे. और हमारी लास्ट एप है अडोबी तो स्कैन नाम से ही समझ आ रहा है की आप इसकी मदद से डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते ये आपके मोबाइल के लिए बनाई गई है और ये एक फ्री ऐप है फाइनली की जितनी भी एप्स थी वो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दी है जितनी भी मैंने बताई है ये की टोटल एप्स है आई होप आपको कुछ इस वीडियो से नॉलेज मिली होगी अगर मिली है तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना यार बस इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में स्टे स्टे हेल्दी सेफ एंड